हेलो बच्चों, आज हम सेवेंथ स्टैंडर्ड के साइंस का चैप्टर 14 पढ़ेंगे, द एलिमेंट्स कॉम्पाउंड्स एंड मिक्सचर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए, ताकि आपको हमारी कोई भी अपडेट मिस न हो। हमने आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश, हिंदी और मराठी के सबटाइटल्स जोड़े हैं। आप इन्हें सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर राइट साइड के कोना में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सब्सटेंस से बना होता है। मैटर का मतलब भी सब्सटेंस ही होता है, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में एक ही टर्म को एक ही कॉन्सेप्ट के लिए यूज किया जाता है, और जिस चीज से एक ऑब्जेक्ट बना होता है उसे हम मैटर कहते हैं। पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि सारा मैटर जो भी हमारे आसपास है बहुत छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। हम इन्हें अलग से नहीं देख सकते, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं। जब आप किसी मैटर को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं तो आप इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक चौक पीस को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं तो आप एक पॉइंट तक पहुंचेंगे जहां आपके पास छोटे चौक पार्टिकल्स होंगे। ये पार्टिकल्स अभी भी चौक की प्रॉपर्टीज रखते हैं, जैसे कि उसका कलर और टेक्सचर, चाहे वो कितने भी छोटे हों। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसे डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि उसका कलर, स्मेल, टेस्ट, कॉम्पोजिशन आदि। ये प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं जब भी मैटर को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक इंक ड्रॉप को हैंकरचीफ से वाइप करते हैं तो इंक स्प्रेड होता है और क्लॉथ पर मार्क छोड़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि टाइनी इंक पार्टिकल्स ड्रॉप में फाइबर क्लॉथ से स्टिक हो जाते हैं। चाहे इंक अब स्प्रेड आउट हो गया हो, लेकिन उसका कलर सेम रहता है, जो मैटर की एक प्रॉपर्टी है। इफेक्ट ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स। मैटर अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। मैटर की प्रॉपर्टीज हर स्टेट में सेम रहती हैं जब भी उसे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक परफ्यूम बॉटल का लेड ओपन करते हैं तो उसकी सेंट एयर में स्प्रेड होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि परफ्यूम के छोटे पार्टिकल्स एयर में रिलीज हो जाते हैं। चाहे ये पार्टिकल्स अब डिस्पर्स्ड हो गए हो, लेकिन वो फ्रेग्रेंस कैरी करते हैं, जो परफ्यूम की एक प्रॉपर्टी है। मास एंड वेट। जब आप एक पानी के ग्लास को ब्रिम तक फिल करते हैं और उसमें एक छोटा स्टोन ड्रॉप करते हैं तो वाटर लेवल राइज होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्टोन वाटर में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिससे कुछ वाटर डिस्प्लेस होता है। इसके परिणाम स्वरूप वाटर ग्लास के रिम से स्पिल हो जाता है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वाटर और स्टोन दोनों ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जब आप एक तराजू लेते हो और एक साइड में एक छोटा स्टोन और दूसरी साइड में एक बड़ा स्टोन रखते हो, तो आप स्टोन्स के वेट की कंपैरिजन कर रहे होते हैं। क्योंकि बड़े स्टोन का मास ज्यादा होता है, वह ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और इसे वह तराजू पर हैवी दिखाई देता है। मैटर की प्रॉपर्टीज जो आप इन एक्टिविटीज से बता सकते हैं वो मास और वेट हैं। मास ये बताता है कि कुछ कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वेट ये बताता है कि कुछ कितना हैवी है। ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर। ऑब्जेक्ट अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है। अगर वो सिर्फ एक टाइप की कॉन्स्टिट्यूएंट से बना हो तो उससे हम सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स में गोल्ड, डायमंड, वाटर और चौक आते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दो या ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करके बनाए जाए तो उससे मिक्सचर कहते हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर, एयर या सॉइल। एलिमेंट्स। जब आप टीपॉट में वाटर बॉयल करते हैं और उससे कवर करते हैं तो वाटर स्टीम में बदल जाता है। ये स्टीम लेड को हिट करता है, कूल डाउन होता है और फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में वापस बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं।
जब आप पंप से वाटर स्प्रे करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वाटर भी स्मॉल ड्रॉपलेट्स से बना होता है। ये दिखाता है कि वाटर और सारे सब्सटेंसेस एक्सट्रीमली छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। ये छोटे पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक मॉलिक्यूल केमिकल एलिमेंट या कॉम्पाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो उस एलिमेंट या कॉम्पाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है। मॉलिक्यूल्स एटम्स से बने होते हैं जो सेम होते हैं। एक एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जो सिर्फ एक टाइप के एटम से बना होता है, जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन एटम्स से बना होता है। एलिमेंट्स को हम सिंपलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं कर सकते। एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। एक एलिमेंट के सारे एटम्स सेम होते हैं लेकिन दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स से डिफरेंट होते हैं। एटम्स खुद भी छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं लेकिन वो केमिकल एलिमेंट्स और उनके आइसोटोप्स को डिफाइन करने वाला सबसे छोटा यूनिट हैं। एटम्स बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन जब बहुत सारे एटम्स एक साथ आते हैं तो वो इतना बड़ा वॉल्यूम बना लेते हैं कि हम उन्हें देख सकते हैं। एटम्स का मास और वॉल्यूम अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होते हैं। इसका मतलब है कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग वेट्स और साइजेस के होंगे। क्या आप जानते हैं, अब तक साइंटिस्ट्स ने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं। इनमें से 92 एलिमेंट्स नेचर में होते हैं और बाकी मैनमेड होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयन, मर्क्यूरी, कॉपर कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल एलिमेंट्स हैं और नए एलिमेंट्स रिसर्च द्वारा डिस्कवर किए जा रहे हैं। ग्रेट साइंटिस्ट्स डेमोक्रेटस ने एलिमेंट्स के छोटे पार्टिकल्स को एटम नाम दिया क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में एटमोस का मतलब इंडिविजिबल होता है। 1803 में जॉन डॉल्टन ने अपने थियोरी प्रपोज किया जिसमें उन्होंने कहा कि एटम्स को क्रिएट या स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। उन्होंने सर्टन सिंबल्स का यूज किया एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि कॉपर, सल्फर, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन नेचर में गैसियस स्टेट में होता है। दो ऑक्सीजन एटम्स को ज्वाइन करके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। एमए ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है। एटम्स की तरह मॉलिक्यूल्स भी नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। कैन यू टेल डॉक्टर एच एम ए सी एडवी सी एम डी सी शॉर्ट फॉर्म्स किसके लिए हैं? डे टू डे लाइफ में हम बहुत जगह शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं। एक सिमिलर मेथड एलिमेंट्स को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। साइंटिस्ट बर्जीलियस पहले थे जो इस सिंबल्स के मेथड को यूज करने लगे थे। एलिमेंट का सिंबल इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखा जाता है और उस नेम का शॉर्ट फॉर्म होता है। कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स टेबल में लिस्ट किए गए हैं। जब दो या ज्यादा एलिमेंट्स के नेम्स में इनिशियल लेटर सेम हो तो एक पेयर ऑफ लेटर्स यूज होता है सिंबल लिखने के लिए। जैसे कि हम सी लिखते हैं कार्बन के लिए और सीएल लिखते हैं क्लोरीन के लिए। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स को जनरली दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज जैसे कि मैलियबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डेंसिटी, लस्टर और सोनोरिटी पढ़ी हैं। वो एलिमेंट्स जो ये प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते हैं उन्हें नॉन मेटल्स कहते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। वो एलिमेंट्स जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की दिखाते हैं उन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं। यह एलिमेंट्स का तीसरा ग्रुप है। आर्सेनिक, सिलिकॉन, सेलेनियम मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब में वायर देखते हैं वो एलिमेंट टंगस्टन से बना होता है। उसका सिंबल W उसके जर्मन नेम वुल्फ्रम से डिराइव्ड है। इसी तरह सिल्वर और गोल्ड के सिंबल्स उनके लैटिन नेम्स आर्जेंटम और ऑरम से डिराइव्ड हैं। कुछ मेटल्स प्योर फॉर्म में यूज करना मुश्किल होता है, जैसे कि प्योर आयन Ma रस्ट होता है, प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है और इजिली बेंड हो जाता है। ओरिजिनल मेटल की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई किया जा सकता है उसमें एक या ज्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करके।
ऐसे मेटल्स के मिक्सचर को एलॉय कहते हैं। ब्रास, स्टील, 22 कैरेट गोल्ड एलॉयज के कुछ एग्जांपल्स हैं। कंपाउंड। जब आप टेस्ट ट्यूब में शुगर को हीट करते हैं तो वो मेल्ट होता है और फिर वाटर लूज करता है और ब्लैक सब्सटेंस छोड़ देता है जिसे कार्बन कहते हैं। ये बताता है कि शुगर एक से ज्यादा एलिमेंट से बना है। एक्चुअली शुगर 3 एलिमेंट्स से कंपोज होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब आप एक मैग्नीशियम रिबन को फ्लेम में होल्ड करते हैं तो वो चमकदार रोशनी के साथ बर्न होता है और व्हाइट ऐश जैसे सब्सटेंस बनाता है। ये चेंज इंडिकेट करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है और मैग्नीशियम ऐसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। एक कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि एक वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम से बना होता है। हाइड्रोजन एक कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है और ऑक्सीजन कंबस्टन को हेल्प करता है, लेकिन वाटर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना होता है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज होता है। ये दिखाता है कि एक कॉम्पाउंड की प्रॉपर्टीज उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से डिफरेंट होती हैं। एक कॉम्पाउंड को मोलेक्युलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है जो उसके नेम का शॉर्ट फॉर्म होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनके रिस्पेक्टिव एटम्स के नंबर से लिखा जाता है। जैसे कि वाटर का मोलेक्युलर फॉर्मूला H2O है, जिसका मतलब है कि उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम है। मिक्सचर्स। जब आप शरबत बनाते हैं तो आप अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, जैसे कि शुगर, वाटर, फ्लेवरिंग एजेंट्स और कभी कभी फ्रूट जूसेस भी। भेल अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बनाया जाता है, जैसे कि पफ्ड राइस, चॉप्ड वेजिटेबल्स, चटनीज, स्पाइसेस और कभी कभी नट्स। मिक्सचर्स डिफरेंट एलिमेंट्स या कॉम्पाउंड्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। जब आप शरबत या भेल बनाते हैं तो आप मिक्सचर्स क्रिएट कर रहे होते हैं। ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट चेंज हो सकता है जब वो मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि आप सारे फ्लेवर्स एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। एवरीडे मिक्सचर्स। एयर, सी वाटर और एलॉयज जैसे कि ब्रास हमारे डेली एनकाउंटर होने वाले मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स हैं। यूजफुलनेस ऑफ मिक्सचर्स। सारे मिक्सचर्स यूजफुल नहीं होते, जैसे कि पोल्यूटेड एयर, एयर और पोल्यूटेंट्स का मिक्सचर होता है जो हार्मफुल होता है। अडल्टरेशन। अडल्टरेशन तब होता है जब अनवांटेड सब्सटेंसेस फूड में मिक्स हो जाते हैं और उससे हार्मफुल मिक्सचर बन जाता है। हम अलग अलग मेथड्स जैसे फिल्टरिंग, सिफ्टिंग, पिकिंग, सॉर्टिंग, विनोइंग, मैग्नेट और सब्लिमेशन का यूज करते हैं अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स को मिक्सचर्स से सेपरेट करने के लिए। यूज किया जाने वाला मेथड डिपेंड करता है सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज पर जो मिक्सचर में हैं। मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। एक राउंड बॉटम फ्लास्क में सॉल्ट वाटर लो। वाया गॉज पर रखे हुए फ्लास्क में लिक्विड को हीट करो। कॉनिकल फ्लास्क को ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें गिरने लगेंगे। ये ड्रॉप्स कहाँ से आए? राउंड बॉटम फ्लास्क में सॉल्ट वाटर हीट होने पर बॉयल होता है। उसमें रखा वाटर वेपराइज हो जाता है। जब वेपर इंक्लाइंड ट्यूब से पास होता है तो आसपास के कोल्ड वाटर की वजह से वो ठंडा हो जाता है और पानी में बदल जाता है। इसलिए जो ड्रॉप्स कॉनिकल फ्लास्क में गिर रहे हैं वो राउंड बॉटम फ्लास्क में सॉल्ट सोल्यूशन से आए हैं। जब सारा वाटर कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाता है तब सॉल्ट फ्लास्क के बॉटम पर रह जाता है। इस मेथड को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन का यूज इम्प्योर लिक्विड्स को प्यूरिफाई करने के लिए भी किया जाता है। मेथड ऑफ सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। एक सेपरेटिंग फनल में केरोसिन और वाटर का मिक्सचर डालो स्टॉपकॉक बंद करके। फनल को स्टैंड पर फर्मली फिक्स करो। मिक्सचर को फनल में शांत होने के लिए छोड़ दो। जब दो एमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर शांत होने के लिए छोड़ दिया जाता है तो दो लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं। हैवियर लिक्विड नीचे रहता है और लाइटर लिक्विड उस पर फ्लोट करता है।
मिक्सचर में दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है। स्टॉपकॉक को ओपन करो और फनल के बॉटम से वाटर को एक बीकर में कलेक्ट करो। जब सारा वाटर बीकर में कलेक्ट हो जाए तब स्टॉपकॉक को क्लोज करो। अब केरोसिन और वाटर सेपरेट हो गए हैं। मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। टर्बड वाटर, इंक, मिल्क, बटरमिल्क, ब्लड लिक्विड्स और अनसॉल्यूबल सॉलिड्स के मिक्सचर्स होते हैं। जब टर्बड वाटर को शांत छोड़ा जाता है कुछ देर के लिए तो उसमें सॉइल पार्टिकल्स धीरे धीरे बॉटम पर सेटल हो जाते हैं। लेकिन मिल्क या इंक के पार्टिकल्स शांत होने पर भी सेटल नहीं होते। ये इसलिए होता है क्योंकि ऐसे मिक्सचर्स में सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत छोटे और लाइट होते हैं और वे लिक्विड में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इन पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है, ना ही फिल्ट्रेशन या सेटलिंग जैसे मेथड्स से। ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से कैसे सेपरेट करोगे? लैबोरेटरी में एक सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज किया जाता है लिक्विड और सॉलिड के मिक्सचर से सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए। जब डिस्क से अटैच ट्यूब्स तेज स्पीड से रोटेट होती हैं, तो एक फोर्स जेनरेट होता है जो पार्टिकल्स को सेंटर से पुश करता है। इसके परिणाम स्वरूप मिक्सचर में सॉलिड्स के पार्टिकल्स टेस्ट ट्यूब्स के बॉटम पर कलेक्ट हो जाते हैं और लिक्विड से सेपरेट हो जाते हैं। मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एक बीकर में कुछ पानी लो। एक फिल्टर पेपर का रेक्टेंगुलर टुकड़ा लो। उस पर 2 सेंटीमीटर दूर एक एज से ब्लू इंक का एक स्पॉट डालो। इस पेपर को बीकर में वाटर में सीधा रखो। बीकर पर एक लिड रखो। कुछ देर बाद इंक के स्पॉट को फिल्टर पेपर पर एक पर्टिकुलर हाइट पर ऊपर मूव होते हुए नजर आएगा। अगर इंक में 2 या उससे ज्यादा कलर्स के कंस्टिट्यूएंट्स हैं तो वे अलग अलग हाइट्स पर ऊपर मूव हो रहे होंगे अपने अलग अलग कलर्स की वजह से और एक दूसरे से अलग दिखेंगे। इस सेपरेशन मेथड को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिसमें सब्सटेंसेस के 2 प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। ये प्रॉपर्टीज हैं सब्सटेंस का सोल्यूबिलिटी, जो सॉल्वेंट में ऊपर मूव करता है, और सब्सटेंस की एबिलिटी, जो स्टेशनरी फिल्टर पेपर से स्टिक होती है। ये प्रॉपर्टीज म्यूचुअली ऑपोजिट हैं और अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स फिल्टर पेपर के ऊपर एंड तक नहीं चढ़ते हैं, लेकिन अलग अलग हाइट्स पर पीछे रह जाते हैं। ये चैप्टर इसी के साथ समाप्त होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने एरोमाइट के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके आगे के लेसन देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।